हाय गाइस, वेलकम टू केम आउट। सो गाइस, काफी समय बाद हम लोग यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम चल रहा है। और गाइस, एक अच्छी न्यूज ये है कि सीएसआईआर ने आपकी जो डेट अनाउंसमेंट्स कर दी है, अब बहुत ही करीब है आपके सीएसआईआर के एग्जाम्स, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग गाइस, हमने यहाँ पे हमारे रेफरेंसेस बुक्स क्वेश्चन सीरीज से क्वेश्चंस लिया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, इनऑर्गेनिक के टॉपिक से क्वेश्चंस लिया है। रिएक्शंस मैकेनिज्म्स, इनर स्पेयर मैकेनिज्म पे गाइस एक क्वेश्चन हमने लिया है। और जो रेफरेंसेस बुक से हमने क्वेश्चंस लिया है गाइस, वो है आपकी हाउजर क्रॉफ्ट। काफी सारे क्वेश्चन गाइस इस बुक से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा इनर स्पेयर का टॉपिक्स नहीं देखा है, वो जरूर देख लिए। वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बहुत ही सारे कंसेप्ट हमने गाइस वहां पे डिस्कस किया है, बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक के एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया है। और गाइस, आप सभी को पता है हम लोग वन टॉपिक को एटलीस्ट 3 से 4 रेफरेंसेस बुक से कवर करते हैं, तो ये टॉपिक्स भी हमने 3 से 4 रेफरेंसेस बुक से कवर किया है। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल सब्सक्राइब करें गाइस, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस फॉर रेफरेंसेस बुक क्वेश्चन सीरीज। आज का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, रिएक्शंस मैकेनिज्म्स पे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन गाइस। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन है, जैसा कि हमने स्टार्ट में ही कहा है, लिया है आपके हाउजर क्रॉफ्ट की बुक से। और ये क्वेश्चन गाइस आपको मिल जाएगा अजय कुमार में भी, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है गाइस आपकी, ये है इनर स्पेयर मैकेनिज्म्स, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है ये? इनर स्पेयर मैकेनिज्म से। कौन से बेसिस पे हमने कहा है ये इनर स्पेयर मैकेनिज्म से? गाइस, ये जो लिगैंड दिख रहा है आपको SCN थायोसाइनाइड्स, तो ये है आपका ब्रिजिंग लिगैंड्स, ठीक है ना। ये ब्रिजिंग लिगैंड है, और जिस रिएक्शन के अंदर ब्रिजिंग लिगैंड प्रेजेंट होता है, उस रिएक्शंस को हम लोग जनरली कहते हैं इनर स्पेयर मैकेनिज्म्स। वो इनर स्पेयर के थ्रू जाएंगी। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स का रोल क्या होता है, क्या करता है, ये सारी चीजें गाइस हमने ऑलरेडी से हमारे लेक्चर्स में कह रहा हूँ बार बार, हमारे इनर स्पेयर मैकेनिज्म का आप लेक्चर जरूर देखें, बहुत ही आपको बेनिफिट होगा गाइस उस लेक्चर से। वैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस तो कर ही लेंगे, लेकिन हम लोग इतना डीप में नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी सारे कंसेप्ट इस क्वेश्चन के हमारे लेक्चर्स में क्लियर किया हुआ है, ठीक है। तो गाइज, अब यहाँ पे जो कंडीशन दिया है हमें, कोबाल्ट NH3 5 SCN+2 और दिया है क्रोमियम H2O6+2। पहली स्टेप में हमें करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, देन हाइड्रोलिसिस, और इसका प्रोडक्ट क्या आएगा मेजर हमें ये देखना है। तो गाइज, यहाँ पे जो दो ऑप्शन दिया है ए और बी, उसमें रिमोट अटैक के बारे में उसने मेंशन किया है। रिमोट अटैक 70% गिव्स दिस प्रोडक्ट्स एंड रिमोट अटैक गिव्स 70% दिस प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आता है मेजर माइनर में वो देखना है। और ये जो बताया गया N और ये S, तो ये क्या बता रहा है आपका, जो क्रोमियम है ये अटैच है आपके नाइट्रोजन से, NCS लिगैंड से, A वाले में, ठीक है। और B वाले में क्या बता रहा है यहाँ पे, क्रोमियम डायरेक्ट आपको अटैच है सल्फर वाले लिगैंड से, जिस तरह से यहाँ पे बता रहा हूं मैं, क्रोमियम SCN। अब हमें यही आइडेंटिफाई करना है यहाँ पे कि आपका जो प्रोडक्ट आएगा रिमोट अटैक से आएगा या फिर एडजेसेंट अटैक से आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जरूर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूले, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या दिया है आपको, कोबाल्ट दिया है। लिखते हैं यहाँ पे हम लोग कोबाल्ट NH3 5 और दिया है SCN और ब्रैकेट पे है +2 चार्ज, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड्स की, क्रोमियम H2O6+2 चार्ज। अब गाइस, हमें ये देखना है इसमें से इनर्ट वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा और लेबाइल वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, ठीक है। जो कि कंसेप्ट से आपका इनर स्पेयर मैकेनिज्म्स का, इनर स्पेयर क्या कहता है, वन कंपाउंड हमारा इनर्ट होना चाहिए और अनदर कंपाउंड इज लेबाइल्स। इनर्ट कौन सा होगा, जहां पे आपका ब्रिजिंग लिगैंड्स होगा। तो ब्रिजिंग लिगैंड कहां पे गाइस, ये वाला, ये हमारा जो लिगैंड है SCN, ये हो गया हमारा ब्रिजिंग लिगैंड्स। अब ये जो कोबाल्ट चाहिए हमें कैसा चाहिए, +3 यानी कि इनर्ट हमें कंपाउंड चाहिए। अब देखते हैं इसका ऑक्सीजन स्टेट, तो देखो गाइस क्या आएगा ऑक्सीजन स्टेट, इसका कोबाल्ट का आ जाएगा +3। यहाँ पे +3 क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये हम लोग एक्स कंसिडर करते हैं, अमोनिया जो लिगैंड है वो न्यूट्रल है, ठीक है। SCN जो लिगैंड है वो अनायनिक लिगैंड है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे मैं अनायनिक लिगैंड ले रहा हूं, मैं अमोनिया को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल में हम लोग जीरो कंसीडर करते हैं, तो उसका जीरो अगर लिए भी तो कोई हमें दिक्कत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट गाइस यहाँ पे ये अनायनिक लिगैंड ले रहा हूँ, -1 = +2। अब ये क्या हो जाएगा हमारा X1
+2, यानी हमारा जो कोबाल्ट होगा उस पे आ जाएगा +3 ऑक्सीडेशन नंबर, +3 स्टेट आ गई, इसलिए हमने यहाँ पे +3 लिखा है। अब क्रोमियम की बात करते हैं, अगर एक्स यहाँ पे भी गाइस ये हमारा न्यूट्रल है, ठीक है ना, स्टो जो लिगेंड है न्यूट्रल, अगर हम लोग वहां पे इससे जीरो भी कंसिडर करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा यहाँ पे +2, तो यानी क्रोमियम पे हमारा आ गया चार्ज +2। अब गाइस जब क्रोमियम पे आ रहा है +2 और कोबाल्ट पे आ रहा है +3, तो कोबाल्ट के पास होगा T2G6 और Eg0। कोबाल्ट के पास T2G6 क्यों आएगा, क्योंकि हमें पता है कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आता है, ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उसकी T2G6 हो जाएंगी और Eg0, यानी ये हो जाएगा आपका इनर्ट, ये हो जाएगा आपका गाइस इनर्ट, और क्रोमियम हो जाएगा लेबाइल। लेबाइल क्यों कह रहा हूं मैं क्रोमियम को, क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ईजी के ऑर्बिटल में चले जाएंगे और सेकंड अनसिमेट्रिकल फिलिंग होंगे, अनसिमेट्रिकल फिलिंग हो जाएंगे गाइस T2G हो जाएगा आपका T2G3 और Eg1, ठीक है, +2 आ गया, यानी के कॉन्फिगरेशन क्या हो गया हमारा क्रोमियम के लिए D4 हो जाएगा और कोबाल्ट के लिए D6। चलो हमने यहाँ पे इनर्ट और लेवाइल तो निकाल लिया, यानी क्रोमियम आपका लेवाइल है, कोबाल्ट आपका इनर्ट है, ठीक है। अगर आपको और डिटेल्स में स्टडी करना है इसकी, तो मैं कह रहा हूँ बार बार हमारे आप लेक्चर जरूर देखिए, हमने वहां बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब यहाँ पे क्या होगा गाइज, इनके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, यहाँ लेंगे हम लोग NH3 5 कोबाल्ट SCN, ब्रिजिंग लिगेंड का काम करेगा, यहाँ पे आपका थायोसाइनाइड्स और यहाँ आ जाएगा क्रोमियम H2O, एक H2O यहाँ से बाहर जाता है, ठीक है, ये H2O बाहर जाएगा और आ जाएगा +4, ये H2O चला गया आपका बाहर। अब ये जो अटैक हुआ गाइस इसे हम लोग कहते हैं रिमोट अटैक, ये जो अटैक हुआ है इसे हम लोग कहते हैं रिमोट अटैक। अब रिमोट अटैक क्या होता है और एडजेसेंट अटैक क्या होता है, तो गाइस इफ टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड बाय टू डिफरेंट एटम्स, देखो यहाँ पे ये कोबाल्ट आपका अटैच है सल्फर से, ये क्रोमियम आपका अटैच है नाइट्रोजन से, तो इस तरह की केस को हम लोग कहते हैं गाइस रिमोट अटैक, ठीक है। तो एडजेसेंट अटैक किसे कहते हैं, फिर एडजेसेंट अटैक क्या होता है, तो गाइस जो आपका एडजेसेंट अटैक होता है, देखो हम लोग उसका मैं यहीं पे एक मैकेनिज्म बताता हूँ, यहीं पे शॉर्ट बताता हूँ, जो आपका एडजेसेंट अटैक होता है इस तरह से NH3 5 कोबाल्ट, ये अटैच होगा आपका सल्फर से SCN और ये भी अटैच होगा आपका सल्फर से क्रोमियम H2O5, क्रोमियम H2O5 और ये +4 और ये जाएगा बाहर H2, इसे कहते हैं गाइस हम लोग एडजेसन अटैक, क्लियर, इसे क्या कहते हैं हम लोग एडजेसन अटैक। टू डिफरेंट मेटल्स आर जॉइंड बाय सिंगल ब्रिजिंग लिगेंड, सिंगल एटम्स, ठीक है ना, देखो एक ही लिगेंड से सल्फर से ही ये क्रोमियम भी अटैच है आपका और ये कोबाल्ट भी अटैच है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स हुआ है हमारा फॉर्मेशन, और ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसे ए देंगे हम लोग, इसे बी देंगे, तो जो ए वाला है इसे कहते हैं हम लोग रिमोट अटैक और बी वाले को कहते हैं एडजेसन अटैक। अब जो प्रोडक्ट मिलेगा ये किसका मिलेगा, हमें ये देखना है एडजेसन का मिलेगा या फिर रिमोट का मिलेगा, रिमोट का मिलेगा तो क्यों मिलेगा गाइस मेजर्स, और अगर एडजेसन का मिलता है तो क्यों मेजर मिलता है, हमें ये कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम लोग पहले जाएंगे रिमोट अटैक के साथ, पहले हम लोग जाएंगे गाइस यहाँ पे रिमोट अटैक के साथ जाएंगे हम लोग, जैसा कि आपको बता रहा है रेफरेंस बुक जो हमने कहा है गाइस आपकी हाउसक्रॉफ्ट और अजय कुमार ने भी दिया हुआ है, रिमोट अटैक के अकॉर्डिंग हम लोग जाएंगे। इसने कहा है जो रिमोट अटैक होता है उसका प्रोडक्ट मेजर आता है, किसका आता है मेजर, रिमोट अटैक का प्रोडक्ट आपका मेजर आएगा, किस तरह से आएगा, देखो हमने यहाँ पे जो अटैक किया है अमोनिया NH3 5 कोबाल्ट SCN क्रोमियम H2O5, यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब गाइज यहाँ पे होता क्या है, देखो अब ये जो आपका ब्रिजिंग लिगेंड है,
अब इसके थ्रू आपका जो क्रोमियम प्लस टू वाला है जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, हमने जो ऊपर निकाला था इनर्ट लेबाइल, अब यहाँ पे इसका रोल है, कोबाल्ट प्लस थ्री में है यहाँ पे, यानी ये है आपका इनर्ट, यानी ये है आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्रोमियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा लिगेंड्स को, इस ब्रिजिंग लिगेंड्स को देगा। अब ब्रिजिंग लिगेंड्स के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा गाइस कोबाल्ट को, किसको जाएगा, इस ब्रिजिंग लिगेंड्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएगा कोबाल्ट को। अब जैसा क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस कर रहा है तो क्रोमियम का क्या हो जाएगा, करेक्ट, क्रोमियम का हो जाएगा गाइस यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा ऑक्सीडेशन। और इस मेथड को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये जो मेथड्स को हम लोग कहेंगे गाइस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है क्रोमियम टू लिगेंड्स एंड लिगेंड्स टू कोबाल्ट मेटल्स। अब यहाँ पे क्या बनेगा आपका कंपाउंड्स, देखो आफ्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशंस NH3 5 कोबाल्ट SCN क्रोमियम, उसके बाद लेंगे यहाँ पे हम लोग H2O5 और ये आ गया +4। अब गाइज यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, और ये जो चेंजेस आने के बाद जो कंपाउंड में स्टेबिलिटी आती है उसी पे डिपेंड करेगा आपका जो प्रोडक्ट आएगा, मेजर रिमोट अटैक का आएगा या फिर एडजेसेंट अटैक का आएगा। ठीक है, अब देखो गाइज जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया क्रोमियम ने तो क्रोमियम आपका चला गया है अब +3 में, कहाँ चला गया है क्रोमियम, +3 में चला गया है क्रोमियम, और कोबाल्ट आपका चला गया है अब +2 में, यानी अब क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 में जाने के बाद इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, अब T2G3 इलेक्ट्रॉन बचे और Eg0, यानी क्रोमियम हो गया गाइज अब इनर्ट, क्रोमियम हो गया यहाँ पे इनर्ट, और कोबाल्ट कितना है 27, +2 आ गया, यानी के T2G6 और Eg1 चला गया, यानी ये हो गया गाइज आपका लेबाइल, ये क्या हो गया, ये लेबाइल हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है गाइस, हार्ड हार्ड और सॉफ्ट सॉफ्ट इंटरेक्शन देखना है। देखो अब ये क्रोमियम +3 में चला गया, यानी अब जो क्रोमियम का नेचर है यहाँ पे कैसा हो गया गाइस, ये हार्ड हो गया। अब मैं ये हार्ड हार्ड क्यों बता रहा हूँ, सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो आपका सल्फर है, ये सल्फर का जो नेचर होता है हमें पता है सॉफ्ट होता है, क्यों होता है सॉफ्ट, ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। सो गाइस यहाँ पे जो नाइट्रोजन है आपका ये कैसा नेचर का, ये हार्ड है, ये कैसा है आपका हार्ड, हार्ड क्यों बोल रहा हूं मैं, कंपेयर टू सल्फर, ड्यू टू नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स एज कंपेयर टू सल्फर। एंड सेकंड कंसेप्ट साइज, जितना स्मॉल होगा आपका एलिमेंट्स उतना ही वो ज्यादा हार्ड होता है। अब यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन हार्ड है गाइस, और क्रोमियम भी कैसा है हार्ड है, यानी अब यहाँ पे नाइट्रोजन हार्ड क्रोमियम हार्ड, अब हार्ड हार्ड की जो बॉन्डिंग होती है हमें पता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ये कंसेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा है, हसा प्रिंसिपल में पढ़ा है, हार्ड एसिड्स सॉफ्ट बेस, इसमें हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है। अब यहाँ पे इसके आगे जो कंडीशन दिया है हमें, जो रिएक्शन होती है गाइज देखो इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मिलेगा क्या आपको, जो हमने यहाँ पे ऊपर वाटर मॉलिक्यूल निकाला था, अब यही वाटर मॉलिक्यूल हम लोग यहाँ पे अटैक करेंगे, जो एक वाटर मॉलिक्यूल हमने स्टार्ट में निकाला था, देखो कहाँ निकाला था एक वाटर मॉलिक्यूल हमने, ये यहाँ पे आपका जो एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जा रहा था, अब इसे मेंशंस कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपने मेंशंस किया भी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मेंशंस करते हैं तो यहाँ पे बस हाइड्रोलिसिस होगा आपका, क्या मिलेगा देखो, कंपाउंड कोबाल्ट NH3 5 H2O ये मिलेगा +2 में, और जो दूसरा कंपाउंड है क्रोमियम वाला ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्रोमियम H2O5। अब क्रोमियम किससे अटैच है, यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच है या सल्फर से अटैच है, यह देखना है, तो किससे अटैच है गाइस, देखो यहाँ पे क्रोमियम है आपका अटैच नाइट्रोजन से, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे NCS, यानी जो क्रोमियम अटैच है यहाँ पे ये नाइट्रोजन से अटैच है गाइस, और ये जो प्रोडक्ट मिला है आपको किसके अकॉर्डिंग मिला है, रिमोट अटैक के अकॉर्डिंग मिला है, हमने रिमोट अटैक किया है। और गाइज ये जो क्वेश्चन है आपका मैं बोल रहा हूँ रिफरेंसेस बुक से लिया गया है, पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन के आने की, ठीक है, हाउजरक्राफ्ट की बुक से लिया है, 70% आपको ये रिमोट अटैक देंगे अकॉर्डिंग टू यूर रिफरेंसेज बुक्स, ये क्वेश्चन आपको हाउजरक्राफ्ट में भी मिल जाएगा, और आपको हम लोग अजय कुमार की भी पिक्चर्स ऊपर प्रोवाइड करा रहे हैं, दोनों ही रिफरेंसेज बुक्स में ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है।
तो ये प्रोडक्ट मिलता है गाइस। इसका मेजर आप देखते हैं ऊपर ऑप्शंस में कौन सा वाला हमें ऑप्शंस करेक्ट आता है, ठीक है। रिमोट अटैच आना चाहिए, क्रोमियम अटैच होना चाहिए नाइट्रोजन से डायरेक्ट। अब यहाँ पे देखते हैं पहला वाला क्या दे रहा है, रिमोट अटैच, ठीक है। 70% क्रोमियम H2O5 अटैच हो रहा है, किससे, नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है। यानी आपका फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है गाइस वो करेक्ट है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। और सेकंड ये जो दिया है कोबाल्ट H2O6, ये किस तरह से बना है, ये वाला जो मॉइटी है कैसी बनी है, जो लास्ट में हमें अमाइन मिला है ना पेंटा वाला, पेंटा अमाइन कोबाल्ट पेंटा अमाइन इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ये वाला। इस पे फर्दर हम लोग जो लास्ट स्टेप है हमारी हाइड्रोलिसिस की, ये लेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो गाइज यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट। क्या मिलेगा देखो आपको यहाँ पे कोबाल्ट H2O6, ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा और अमाइन बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अब बी क्यों रहोगे गाइस, देखो बी में क्या कहा है इसने, जो आपका क्रोमियम है वो किससे अटैच बताया है, सल्फर से अटैच बताया है, जो कि पॉसिबल नहीं है आपके रिमोट अटैक्स में, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी गाइस रिमोट अटैक में हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया है, देखो आपका जो सल्फर है वो तो कोबाल्ट से अटैच है, यहाँ पे कोबाल्ट से बॉन्डिंग कर रहा है तो क्रोमियम से किस तरह से बॉन्डिंग करेंगे, पॉसिबल नहीं है। अब जो सी वाला इनकरेक्ट हुआ है एडजेसेंट अटैक 70% ईड नहीं आती है, ठीक है। हमने क्वेश्चन एसिटीज गाइस आपके ऑस्क्रॉफ्ट से निकाला है, एडजेसेंट अटैक में 70% ईड नहीं आती है आपकी SCN की, क्यों नहीं आती है, क्या रीजन होगा, वही कंसेप्ट जो हमने लगाया है हार्ड वाला और सॉफ्ट वाला। देखो गाइस अगर हम लोग जाते हैं एडजेसेंट अटैक के थ्रू, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एडजेसेंट अटैक क्यों रॉन्ग होगा, हम लोग ये देखेंगे। अगर एडजेसेंट अटैक के थ्रू जाते हैं तो जो क्रोमियम है आपके पास यहाँ पे, इस केस में देखो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, पहले तो हम लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होगा आपका क्रोमियम से जाएगा सल्फर से जाएगा कोबाल्ट के पास, तो मॉइटी क्या मिलेगी भाई, NH3 5 कोबाल्ट SCN, इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग गाइस यहाँ पे, क्रोमियम H2O5 ये मिलेगा। यानी हमने क्या किया यहाँ पे, क्रोमियम के थ्रू इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है किसे, सल्फर को, और सल्फर के थ्रू गया है आपके कोबाल्ट को, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा फिर +3 और इसका हो जाएगा गाइस +2। अब जब +3 हो रहा है आपका क्रोमियम का, तो क्रोमियम हो गया इनर्ट, करेक्ट गाइस, इनर्ट हो गया, और उसी के साथ उसका जो साइज था कंपेयर में ऊपर +2 में था क्रोमियम, नीचे +3 में आ गया, तो यानी कि साइज कैसा हो गया, स्मॉल हो गया, और स्मॉल साइज होता है कैटायन है, स्मॉल है तो हम क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया हार्ड, ठीक है। क्रोमियम कैसा हो गया, हार्ड हो गया। और ये सल्फर कैसा है गाइस, करेक्ट सल्फर है आपका सॉफ्ट। तो अब जब यहाँ पे बॉन्डिंग होगी इनमें हार्ड क्रोमियम सॉफ्ट सल्फर, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी क्या, स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं होगी, यानी कि जो कंपाउंड मिलेगा हमें वो अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा एज कम्पेयर टू क्रोमियम और नाइट्रोजन की बॉन्डिंग से। हम लोग क्यों क्रोमियम के साथ जा रहे हैं, क्रोमियम नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि क्रोमियम +3 में चला जाएगा आफ्टर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेचर चला जाएगा हार्ड में, तो नाइट्रोजन का नेचर भी हार्ड है, तो हार्ड हार्ड में बॉन्डिंग स्ट्रांग होंगी, यानी हमें स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा 70% अकॉर्डिंग टू एडजेसेंट अटैक, सॉरी अकॉर्डिंग टू रिमोट अटैक्स, क्लियर गाइस। तो यहाँ पे इस केस में फिर आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो ये वाला माइनर प्रोडक्ट मिलता है हम लोग, मैं डायरेक्ट यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ NH3 5 H2O, और ये जो मिलेगा आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो क्रोमियम H2O5 SCN, ये माइनर मिलेगा, ठीक है ना, ये जो मिलेगा आपको ये माइनर मिलेगा, और कौन किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है गाइस, ये एडजेसेंट अटैक के अकॉर्डिंग मिल रहा है, ये माइनर क्यों मिल रहा है माइनर, अब आपको पता हो गया क्रोमियम हार्ड इन नेचर में है, और यहाँ पे क्या बता रहा है, क्रोमियम बॉन्डेड टू सल्फर एटम बता रहा है, सल्फर तो सॉफ्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करते हैं यहाँ पे, मुझे यही बताना था स्टेप, आए मैंने बताया नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ बता लेते हैं कोबाल्ट H2O6, ये आ गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वाला एडजेसेंट का आएगा गाइस माइनर प्रोडक्ट। तो गाइस क्वेश्चन किस तरह से लगा है, अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को जरूर कमेंट करें, लाइक करें, और हमें जरूर बताएं कमेंट के जरिए,
हम लोग नेक्स्ट बहुत जल्द दूसरे क्वेश्चन भी लेके आएंगे, और उसी के साथ साथ गाइज हम लोग बूस्टर सीरीज भी बहुत जल्द हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।